नमस्कार दोस्तों, हर पर्सन हेल्थी यानी कि स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, खुद भी स्वस्थ रहना चाहता है और अपने परिवार वालों को भी स्वस्थ देखना चाहता है। पहले की लाइफ और आज की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि पहले हर पर्सन उनको जो अपनाता था, फॉलो करता था अपनी डेली रूटीन में, परंतु आजकल की बिजी शेड्यूल में उन आदतों को डे बाई डे हम भूलते जा रहे हैं और जिसके कारण बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कि पहले जिनको अपनाते तो सेहतमंद जो अपनी अच्छी लाइफ बिताते थे, परंतु जैसे जैसे उनको हम भूलते जा रहे तो उतनी सारी बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिले। तो उन्हीं आदत के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम उन आदतों को अगर अपनी जो डेली रूटीन लाइफ रहती है उसमें अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हम डिजीज फ्री यानी कि रोग मुक्त जिंदगी यानी कि एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर अमित आपका शहर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों, हर पर्सन स्वस्थ यानी कि हेल्थी रहना चाहता है, खुद भी स्वस्थ रहना चाहता है और अपने परिवार वाले यानी कि जो फैमिली मेंबर रहते हैं उनको भी स्वस्थ देखना चाहते हैं। दोस्तों, जो पहले की लाइफ थी यानी कि पहले की लाइफ, मेरा बोलने का मतलब है जो हमारे दादा परदादा या ऋषि मुनि जो पहले की लाइफ रहती थी और आज की लाइफ में अगर कंपेरिजन किया जाए तो जो डाउन होते जा रहे, और जो मैं बात कर रहा हूँ मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ। अगर हेल्थ के मामले में देखेंगे तो पहले अच्छी लाइफ जिया करते थे, बीमारियां नहीं हुआ करती थी, कम हुआ करती थी, और जो पर्सन था 80-80, 100-100 साल भी क्रॉस कर लेता था, यानी कि जो लाइफ का ड्यूरेशन वो भी लंबा था। और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है तो ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, बीमारियाँ बढ़ती जा रही। तो मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ती जा रही है, परंतु हेल्थ के मामले में डाउन होते जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी आदतें जो पहले अपनाते थे तो अच्छी लाइफ जीते थे, रोग मुक्त ज़िंदगी जीते थे, लंबी लंबी यानी कि 100-100 साल तक से ऊपर तक पर्सन जीवित रहता था, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है लाइफ, जैसे आगे बढ़ रही है तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी कौन सी आदतें जो कि छूटती जा रही हैं आजकल यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जिससे कि हमें ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, अब चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ यानी कि उन आदतों की तरफ कि कौन कौन सी आदतें अगर हम डेली लाइफ में अगर उनको ऐड करते तो हम डिजीज फ्री यानी कि रोग मुक्त ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो मैं बुक फॉलो करता हूँ, जिसमें सबसे पहले है कि मैं काफ़ी टाइम से इस बुक को रीड भी करता हूँ, पढ़ता हूँ, और इसमें ये स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है जो कि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जितने मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर क्वेश्चन करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ ये कंडीशन अगर क्लिनिक में है तो उनको उनको कंपलसरी कर देता हूँ कि ये चीज़ें फॉलो करिए करें, क्योंकि ये एक हेल्थी लाइफ जीने का एक राज है जो कि पहले फॉलो करते थे परंतु अब इतनी लाइफ बिजी हो चुकी है कि इनको भूलते जा रहे हैं और बीमारियां तभी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इसमें जो भी लिखा मैं उसको अपनी तरफ से यानी कि एक्सप्लेन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें एक लाइन लिखी हुई जो कि आप शायद दिखे ना यहाँ पे आपको, तो मैं इसको रीड करके बताता हूँ। और ये जो बुक है वो एक जिनको मैं काफ़ी मानता हूँ, अभी तक उनको फॉलो करता हूँ और आप भी सब उनको जानते होंगे, जो हमारे हैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी। दोस्तों, अब इन लाइन्स को यानी कि इन आदतों को पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या लिखो इस बुक के पहले पेज के ऊपर ही। दोस्तों, इसके अंदर जो पहली लाइन लिख रखी है वो लिखी है ईमानदारी के ऊपर, यानी कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा और उससे जो आप भोजन यानी कि जो भी राशन लेके आते हैं घर में, वो ईमानदारी से जो आप पैसा कमाते हैं ईमानदारी उससे द्वारा लाया हुआ राशन घर में होना चाहिए, जो कि आपकी हेल्थ यानी कि आपके स्वास्थ्य का राज रहता है। अब इसके ऊपर भी काफ़ी एक लॉजिक है। अब आप सोचेंगे कि एक ईमानदारी से पैसा एक दूसरी तरफ से पैसा आता है। देखिए, जब भी आप ईमानदारी से पैसा लाते हैं जो भी कमाते हैं, और जब भी आप उससे खाना खाते हैं चाहे कम खाते हैं जितना भी खाते हैं, परंतु आपका जो माइंड है बिल्कुल रिलैक्स रहता है। और कहीं दूसरी जगह से अगर पैसा आता है तो उसके माइंड में पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ रहता है और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल यही करता है। और अगर ये कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसके अंदर कुछ चलता रहेगा तो बॉडी में कुछ ना कुछ अप डाउन रहेगा। अगर ईमानदारी से है तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा और आपकी बॉडी भी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, जिससे आपको किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी हेल्थ से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट इनका यही था ईमानदारी से। तो दूसरा पॉइंट था यहाँ के एक हेल्थी डाइट एंड प्रॉपर डाइट। हेल्थी डाइट यानी कि स्वस्थ खाना खाना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले आए खाने, स्वस्थ खाना और एक प्रॉपर डाइट यानी कि जितना, अगर आपको दो रोटी की भूख है तो दो रोटी ही खानी, ज़बरदस्ती 3-4 नहीं खानी या कम नहीं। एक हेल्दी स्वस्थ खाना और प्रॉपर जितनी आपको भूख है उतना ही लेना है खाना। तो वो ये इसका दूसरा पॉइंट था। तीसरा इसके बाद एक पॉइंट कि जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद लेटना नहीं है, सोना नहीं है। अगर दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं, 3 बार खा रहे हैं, 4 बार खा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करना है। अगर आप ज़्यादा देर चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, तो कम से कम
100 कदम चलना है, कम से कम 100 कदम चलिए खाना खाने के बाद, जिससे कि आपका खाना सही से डाइजेस्ट हो। तो और आपका खाना सही से डाइजेस्ट होगा तो आपको गैस्ट्रिक अपच ऐसी कोई भी समस्या दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी बीमारियां देखी जाती है वो हमारे पेट से रिलेटेड देखी जाती है। अगर पेट से अगर अप डाउन हो जाता है तो बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था इस बुक में लिखा। उसके बाद लिखा है प्रॉपर स्लीप, यानी कि अच्छे से नींद लेने, जो भी 5 से 6 घंटा सोना चाहिए, आराम से सोना चाहिए। और इसमें एक लाइन साथ में लिखी है कि जब भी सोते तो बाएं करवट लेके ही सोना चाहिए, यानी कि जो हार्ट का रहता है तो उस तरफ को ही सोना चाहिए। इसके लिए ये लिखा हुआ इसमें भी एक लॉजिक है, जो अगर आप सीधे सोते हैं तो वो भी नॉर्मल है, अगर ऐसे तो वो भी नॉर्मल है, परंतु अगर आप इस साइड को सोते हैं बाएं तरफ को, तो इसमें ये होता है कि आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन रहती है वो प्रॉपर रहती है। उसके बाद लिखा हुआ है मल मूत्र के बेग को रोकना नहीं है। मल मूत्र यानी कि जो स्टूल रहता है, जो हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं या जब भी हमें पेशाब आता है, तो उसको कभी भी रोकना नहीं है। जब आता है तो उसको पास करना चाहिए। अगर आप रोकते हैं उसको भी, अगर उसको अगर आपको प्रेशर आ रहा है, अगर आप उसको रोक रहे हैं, तो वो भी फिर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बीमारी का घर बन सकता है। तो जब भी आपको मल मूत्र आता है तो उसको त्यागना चाहिए, यानी उसको शरीर से निकालना चाहिए, तो इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ इसके अंदर लिखे हुए जैसे कि खाने से रिलेटेड, जो कि मैं मैक्सिमम आपके साथ शेयर करता हूँ। खाना प्रॉपर रखिए, उसके बाद वॉक करिए, नींद प्रॉपर लीजिए, और जब भी अगर ज़्यादा नहीं चल सकते तो 100 कदम नॉर्मल चलिए। तो अगर आप कुछ जो है आदतें अपनाते हैं डेली लाइफ में, तो आप डिजीज़ फ्री यानी कि रोग मुक्त जी सकते हैं, जो कि हमारे पूर्वज यानी कि जो हमारे दादा परदादा उनको फॉलो करते थे, और उसके बाद हार्ड वर्क भी करते थे। तो वो हेल्थी लाइफ जीने का उनका एक राज यही था, और लंबी लाइफ भी जीते, जो कि आजकल कम होता जा रहा है फिजिकल एक्टिविटी, जिसके कारण जो है ड्यूरेशन है 50 साल 40 साल इतनी कम हो चुकी है, और बीमारियाँ इतनी ज़्यादा लग रही हैं, बचपन से शुरू हो जाती है। और कुछ कंट्री ऐसी कि जापान जैसी कंट्री हैं जिनका अभी भी वो उस जो मैंने आपको आदत है उनको अपनाते हैं, और उनकी आज भी देखा गया होगा आपने कि 100 100 साल इतनी अराउंड अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो उन आदतों को अभी भी अपना रहे हैं, डाइट को, फिजिकल एक्टिविटी। तो ऐसी आदतों को कुछ कंट्री अपना रही हैं, तो यही उनका जीने का राज है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रखा था आदतों के बारे में, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आपको दिखाई देगी रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन, तो उसको कर दें प्रेस, साथ में आपको दिखाई देगा बेल का आइकन, तो उसको भी कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारी इस YouTube फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। जैसे मैं होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज लेके आऊंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।